हाय गाइस, वेलकम टू मम्मीज़ किचन। ये हमने 3-4 चम्मच तेल गरम को रख दिया था, तेज पत्ता डाल दिया है, लौंग 4-5 लौंग और दालचीनी के टुकड़े डाल दिया है और 4 हरी मिर्च इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, ठीक है। ये हमने 3 बड़े प्याज काट के रख लिया है, 3 प्याज और 3 टमाटर मैंने ये काट के रख लिया है। हम पहले प्याज को अच्छे से गोल्डन होने तक थोड़ा सा भून लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छा गोल्डन होने तक भून लो। देखो ये अच्छे से हो गई है, ज़्यादा जलाना नहीं है। ये 2 चम्मच फुल भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेती हूँ, ठीक है। और इसको अच्छे से अभी और इसका भी बास जाने तक इसको भी अच्छे से भून लो। अभी हम डाल लेते हैं चिकन। एक किलो चिकन है ये, ठीक है। ये टमाटर, 3 टमाटर है, इनको भी हम अच्छे से डाल के अच्छे से भून लेते हैं। हम अच्छे से इसको भून लेते हैं अभी चिकन को, ठीक है। हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। चिकन पुलाव के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन और चावल मैंने कम लिया है, 1.5 किलो ही चावल मैंने भिगो के धो के रख दिया। ये स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे चावल के हिसाब से। ये बिरयानी मसाला है, ठीक है। ये धनिया पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, पहले गरम मसाला डाल दिया था, ये धनिया पाउडर है। लाल मिर्च हम थोड़ी ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाल दिया है, 4 बड़े वाले बीच में से चीर लगा के डाल दिया था, ठीक है। बिरयानी मसाला है और लाल मसाला है और धनिया पाउडर 1-1 चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं। देखो चावल मैंने धो के अच्छे से इसको 10-15 मिनट तक भिगा दिया है। कोलम चावल ही है मेरा, सादा चावल जो हम खाते हैं, बारीक चावल घर का कोलम, ठीक है। ये देखो अच्छे से चिकन में अच्छे से भाप हो गई है, मसाला अच्छा तरी जम गई है, मसाला अच्छे से लग गया है, अंदर अच्छा पक गया है, ठीक है। हम थोड़ी सी दही डाल लेंगे क्योंकि दही ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि टमाटर मैंने ज़्यादा डाल दिया है, ठीक है। दही मैं 1-2 ही चम्मच डाली, ज़्यादा नहीं। इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। डाल लेते हैं चावल। हाथ से साफ करके डाल लेते हैं, जो काम हाथ से हो सकता है वो चम्मचों से नहीं, ठीक है। हाथ से अच्छे से साफ करके पूरे चावल अच्छे से मिक्स कर लो, इसको अच्छे से घुमा लेना, अच्छे से मिक्स कर लो पूरे चावल को मसाले में। ये चिकन पुलाव है, इससे ज़्यादा ताम झाम नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल सा बना दिया था, ठीक है। ज़्यादा मसाले ये वो कुछ नहीं, जो अपने घर घुती मसाले थे बस वही मसालों में ऐसे बना दिया था। जो झटपट में ऐसा कुछ बनाना हो तो मैंने ऐसे ही झटपट बना लिया था ये, ठीक है। आज जुम्मा है तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं चिकन पुलाव। सत्ताईसवां रोज़ा है, सबको 27वां रोज़ा मुबारक हो, ठीक है। चलो अब ये देखो हो गया है अच्छे से, इसको घुमा लेते हैं, नीचे ऊपर कर लेते हैं अभी अच्छे से, ठीक है। नमक हमने पहले ही साथ में डाल दिया था, जब चिकन के साथ में मैंने चावल का और नमक चावल और चिकन के हिसाब से ही अच्छे से डाल दिया था, ठीक है। तो लगा देते हैं ढक्कन।
देखो रोने आ गया है अच्छे से। इसको एक बार और घुमा लेते हैं अच्छे से नीचे ऊपर। आप जो चाहे चावल बना सकते हैं, ये मेरा कोलम चावल है, जो बारीक होता है वही है, ठीक है। आप चाहे बासमती से भी बना सकते हो। बासमती चावल मुझे ज़्यादा बिरयानी के लिए ठीक लगता है, कभी कभार के लिए ठीक है। जब भी हम ऐसी जब ऐसा खाने की इच्छा हो तो मुझे नहीं, ज़्यादा रोज़ नहीं पसंद है वो, क्योंकि ये तो एक दिन टिक भी जाता है, बासमती अगर हो तो फटाफट ये हो जाता है ख़राब जैसे, ठीक है। गर्मी बहुत चल रही है इसीलिए मैंने बासमती नहीं मंगाया, क्योंकि बासमती चावल बहुत जल्दी ख़राब होता है, ठीक है। चलो मैंने लगा दिया ढक्कन, रख दिया है नीचे तवा, इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ दम पे। ये मेरा घी बन रहा है बाजू में, मैंने बोला चलो दम हो रहा जब तक चावल घी बना लेती हूँ थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ मीठा कुछ, इसीलिए घी ख़त्म हो गया था तो थोड़ी सी मलाई जमी थी, तो मैंने बोला चलो घी बना लेते हैं। यहाँ पे दूध भी रख दिया है, दूध भी गर्म को अभी लाया, दूध भी रख दिया है गर्म को। चलो ये दम हो रहा है, कोथिंबीर डाल देती हूँ थोड़ी सी कोथिंबीर। कोथिंबीर और हरी मिर्च मैंने बीच में से चीर के ऐसे डाल दिया है, ठीक है। आपको मिर्ची डालना है तो डालो, नहीं तो नहीं, मैं ऐसी डाल रही हूँ क्योंकि अंदर भी मैंने चार मिर्ची डाला हुआ है। आप अपने हिसाब से मिर्ची का टेस्ट देख लेना, ठीक है। अभी हम लगा देते हैं इस पर एक कॉटन के कपड़े से दम पे, ठीक है। कितनी अच्छी सी भाप भर गई है, दम अच्छे से हो गया है, चावल है देखो अच्छे से ये हो गया है, ठीक है। चिकन भी ऐसे टूट रहा है अपने आप, मतलब चिकन अच्छे से पक गया है देखो, बहुत अच्छे से टूट रहा था, गरम बहुत है इसलिए हाथ से छूट रहा था मेरे, चिकन बहुत अच्छे से गल गया था, ठीक है। क्योंकि हमने पहले मसाले में ही उसको अच्छे से भून दिया था, गैस मैंने बंद कर दिया है, ढक्कन वापस से लगा दिया है, ठीक है। गैस इसका किया मैंने, देखो सर्व कर दिया, देखो कितना अच्छा लग रहा है चिकन पुलाव, ये झटपट वाला बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसके साथ मैं दही वाला कचुंबर भी बना दूँगी, मैं बोली पहले आपको दिखा दूँ चिकन पुलाव, फिर मैं खाते समय हम लोग बना लेंगे कचुंबर, दही वाला कचुंबर, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी कुछ और चटपटे अच्छे वाले रेसिपी में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।